हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग इजी कुकिंग। आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से घर वाली झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई पनीर। जी हाँ दोस्तों, कढ़ाई पनीर की सब्जी बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत टेस्टी होती है, ये बहुत ही स्पेशल डिश मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर क्यूब्स, प्याज फाइनली चॉप्ड और चौकोर कटे हुए टमाटर स्क्वायर पीसेस में चौकोर कटे हुए और शिमला मिर्च बड़े बड़े चौकोर, नमक, हींग, मस्टर्ड ऑयल, जीरा, छोले मसाला या फिर चना मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ अदरक। मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्याज, साबुत धनिया, साबुत जीरा, दालचीनी, दो बड़ी इलायची, लहसुन, साबुत काली मिर्च और दो लौंग। तो चलिए दोस्तों बनाना सीखते हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, घर पर बनने वाली झटपट से तैयार होने वाली कढ़ाई पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमें पीस लेना है मिक्सी में एक साथ। प्याज को छील कर धोकर काट लेंगे। मसाला जब तैयार हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हमने मसाला रेडी कर लिया है पीस कर। अब फ्रेंड्स हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे उसके, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और तेल को गर्म कर लेंगे। इस टाइम स्टोव की फ्लेम हाई होनी चाहिए फ्रेंड्स। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे पनीर क्यूब्स और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो ये पनीर अब फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही हल्का फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अभी ये सॉफ्ट रहेंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे अपने वेजीज। तो ये हमने डाला है कैप्सिकम, इन्हें बस इतना ही फ्राई करना है कि क्रंची रहे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। साथ ही हम फ्राई करेंगे चौकोर प्याज जो हमने काटे थे। और इसमें टमाटर भी साथ में फ्राई कर लें। सारी वेजीज लाइटली फ्राई करनी है, बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इनका। इन्हें भी हम निकाल लेंगे, इसे पनीर निकाला था। अब तेल में डालेंगे जीरा, तेल गरम है तो स्टोव की फ्लेम हमने कम की है। और ये डाली बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, साथ ही थोड़ी हींग, ये भी नहीं सी खुशबू आने लगे जीरे की। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे प्याज। ग्रेटेड अदरक, पिसा हुआ अदरक भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और जो पिसा मसाला हमने तैयार किया। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे
टाइम 4 की फ्लेम मीडियम टू हाई पे होनी चाहिए। अब हम डाल रहे हैं नमक, एज पर टेस्ट। मसाला जब भुन जाएगा तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी भुने मसाले की, और इसका टेक्सचर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए पता चलेगा कि क्या है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ में भूनना है सभी इंग्रेडिएंट्स को, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। ये हमने ऐड किया हल्दी पाउडर। हल्दी के बिना तो कोई भी सब्जी अधूरी है, और इंडियन कुकिंग में तो हल्दी की स्पेशल प्लेस है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब लग रहा है हमारा मसाला जो तैयार हो रहा है, और इसकी खुशबू बहुत ही जायकेदार मज़ेदार है। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मसाला भुन चुका है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से नीचे से तेल निकल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, या फिर चना मसाला भी आप डाल सकते हैं। एक चम्मच छोले मसाला या चना मसाला डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इस सब्जी में। थोड़ी देर के लिए इसे भी हम भून लेंगे। अब मसाला बिल्कुल रेडी है हमारा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये है हमारा भुना हुआ मसाला शाही पनीर का, घर की झटपट से तैयार होने वाली कढ़ाई पनीर। और ये अब हम सारी चीज इसमें डाल देंगे, और पनीर भी डाल देंगे जो कि हमने फ्राई किए थे स्टार्टिंग में। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी सब्जियों में, और अब हम इसमें ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना कलरफुल दिख रहा है ये, और बहुत ही सुंदर बन रही है हमारी सब्जी, बहुत स्वादिष्ट बन रही है। इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाकर जरूर देखें फ्रेंड्स, बहुत ही जायकेदार लज्जतदार होती है ये, और बहुत झटपट से तैयार हो जाती है बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। वेरी वेरी टेम्प्टिंग। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। इस टाइम स्टोव की फ्लेम को लो कर लेंगे। तो लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, अब देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन चुकी है, बनके तैयार है। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे ढक के रखना है लो फ्लेम पर, ताकि सब्जियां क्रंची बनी रहेंगी तो और भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल बनी है ये, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट से बनने वाली कढ़ाई पनीर, घर पे आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की जा सकती है ये। चलिए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं हम इसे। तो रेडी है दोस्तों, बहुत ही जायकेदार लज्जतदार हमारी कढ़ाई पनीर, घर पे बनी झटपट से तैयार होने वाली
स्पेशल सब्जी पार्टी में, स्पेशल ओकेजंस में, या फिर ऐसे ही मेहमानों को सर्व करें, या फिर घर पर बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। ये बहुत ही स्पेशल डिश है, बहुत टेस्टी बनती है और झटपट से बहुत आसान इंग्रेडिएंट के साथ घर पर तैयार हो जाती है। इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, कैसे भी इसे खाया जा सकता है। तो जल्दी से इसे ट्राई करें, घर पे लुफ्त उठाएं। रंग बिरंगी, जायकेदार, मजेदार, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर का। अगर आपको अपने लंच और डिनर की शान बढ़ानी हो तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम इसी तरह की अमेजिंग इजी रेसिपीज के साथ आपके सामने आते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अमेजिंग इजी कुकिंग में। थैंक यू।